नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक Realme 3 का मोबाइल कुरियर हुआ है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसका बैटरी के वोल्टेज को चेक करते हैं कि इस पर क्या कितना वोल्टेज है। ये देखिए, ये बैटरी पर हमारी 4.1 समथिंग वोल्टेज शो हो रहा है, यानी कि हमारी बैटरी के वोल्टेज यहाँ से कम्प्लीटली ओके है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन, हम मोबाइल पे चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगाने के बाद हमारी बैटरी जो पॉइंट होती है उस पर चेक करेंगे कि इस पर वोल्टेज कितना आता है। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारी 4.1 चार्जर लगाने के बाद वोल्टेज यहाँ से शो हो रही है, लेकिन यहाँ से हमारी जो सनशाइन का जो चार्जर USB चार्जर है वहाँ से कुछ भी चार्जिंग की इंडिकेशन शो नहीं होता है। इस कंडीशन पर दोस्तों पहले हमको क्या करना है कि इसको DC पावर सप्लाई में पहले चेक करना है कि इस पर क्या प्रॉब्लम से ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड है। तो चलिए दोस्तों इसको DC पावर सप्लाई में एक बार चेक करते हैं कि इस पर कितना रीडिंग लेती है। ये देखिए दोस्तों, ये पावर स्विच प्रेस करने से हमारी 4794 इस तरह से कुछ रीडिंग लेके जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन पे दोस्तों हमारी प्रॉब्लम है, पहले दोस्तों हम पावर IC के पास जितने भी कैपेसिटर है उन सभी से इसका वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद उसका पावर IC को पहले रिबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमने ये मोबाइल को चेक किया तो इस पर पोर्ट भी नहीं बन रही थी और इस पर पावर की प्रेस करने से हमारी 47 और 94 इस तरह से कुछ रीडिंग लेके जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन पे पहले हम पावर IC की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी और CPU पे काम करना ये गलत बात है। तो पहले दोस्तों हम पावर IC के पास चेक करेंगे कि हमारी PMI तक वोल्टेज जाती है या नहीं जाती है, या फिर इसका वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले दोस्तों उसका पावर IC के पास हम चेक करेंगे जितने भी कैपेसिटर है वो कैपेसिटर के पास वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी SMD के टेम्परेचर को 370 या फिर 380 में सेट करें और AR को 60 में सेट करके ये जो टीन के बॉर्डर को यहाँ से कम्प्लीटली ओपन करना है। ये सक्सेसफुली हमारी टीन के बॉर्डर यहाँ से ओपन हो गई। अब दोस्तों यहाँ से हमारी जो पावर IC लगी है MT6358W, जो हमारी Realme 3 का पावर IC है, पहले दोस्तों हम मल्टीमीटर में DC वोल्टेज में सेट करके इसको चेक करेंगे कि इसका कैपेसिटर में कम्प्लीटली वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से जितने भी वोल्टेज शो हो रहा है दोस्तों, हमको लगता है कि वोल्टेज यहाँ तक कम्प्लीटली इनपुट होती है और यहाँ से जो आउटपुट की वोल्टेज हो रही है, यहाँ से जो आउटपुट की वोल्टेज होती है वो मोबाइल ऑन होने के बाद उसका आउटपुट वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमको जितने भी VPS लाइन की हमारी सप्लाई है वो सक्सेसफुली हमको लग रहा है कि यहाँ से कम्प्लीटली ओके है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे कि फास्ट ऑप्शन दोस्तों, जब भी इस टाइप का आपके पास कोई भी मोबाइल आए तो पहले दोस्तों इसका पावर IC के पास जितने भी कैपेसिटर होती है वो कैपेसिटर के पास सेमेस्टिक डायग्राम में जितने भी आपको वोल्टेज इनपुट आउटपुट की वोल्टेज जितने भी शो होना चाहिए उस टाइप से उसी तरह से आप चेक कर लेंगे। अगर वोल्टेज कम्प्लीटली आ रहा है तो पहले काम है दोस्तों आपको पावर IC को रिबल करना। पावर IC को एक बार रिबल करना या फिर चेंज करने के बाद आपको अगर उसी तरह से रीडिंग आए तो उसी टाइप का आपको समझ लेना है कि उसका प्रॉब्लम CPU और मेमोरी से है। तो यहाँ से तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ कोई शॉर्ट है ना कोई वोल्टेज मिसिंग है, यहाँ से कम्प्लीटली वोल्टेज भी आ रहा है और यहाँ से हमको कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले दोस्तों हम SMD के टेम्परेचर को 250 में सेट करेंगे और AR को यहाँ से 20 में सेट करके यहाँ से ये जो ग्लू है इसको साफ़ करेंगे और ग्लू साफ़ होने के बाद हमारी SMD के टेम्परेचर को हम 350 में सेट करेंगे, 350 में सेट करेंगे, हमारी AR को 40 में सेट करेंगे, क्योंकि ये MTK की पावर IC है, इस पर ज़्यादा हीट लगने से शायद ये ख़राब हो सकती है, इसलिए SMD टेम्परेचर को 350 में सेट करेंगे और AR को 40 में सेट करके ये जो हमारी पावर IC है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको रिबल करके पेस्ट करेंगे कि
टेस्ट करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये इसी तरह से हमारी रीडिंग लेती है या फिर कुछ हमारी रीडिंग में इम्प्रूव होती है। ये जो ग्लू है इसको सैप करते हैं और उसके बाद आईसी को रिबल करके इसको पेस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी रीडिंग कुछ इम्प्रूव होती है या नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हमारी पावर आईसी यहाँ से पेस्ट हो गई। अब दोस्तों यहाँ से फिर एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी मोबाइल पे कितना रीडिंग ले रहा है हमारी डीसी पावर सप्लाई में। ये देखिए, जो कंडीशन पे पहले था वही सेम कंडीशन है, यहाँ से कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि हमारी पावर आईसी तरफ से ये प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। दोस्तों पहले तो काम हम तो पहले ही काम हमारी पावर आईसी की तरफ है, क्योंकि डायरेक्ट हम सीपीयू मेमोरी से
डायरेक्ट हम सीपीयू मेमोरी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पावर आईसी तरफ से भी इसी तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले पावर आईसी को चेक कीजिए, और पावर आईसी अगर सही है तो उस टाइम पे सीपीयू और मेमोरी के ऊपर ध्यान दें। यहाँ से दोस्तों हमारी एसएमडी का टेम्परेचर 380 में सेट करेंगे, और एआर को 60 में सेट करके यहाँ से जो 10 के बॉर्डर है इसको ओपन करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारी सीपीयू और मेमोरी को यहाँ से ओपन करके एक बार रिबल करके हमारी जो प्रॉब्लम है इसको चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हमारी सीपीयू ड्राई होने के वजह से भी इसी तरह से रीडिंग लेता है और ऑन नहीं होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी एसएमडी के टेम्परेचर को 350 में सेट करेंगे, और हमारी एआर को 40 में सेट करेंगे, और हमारी जब हम सीपीयू को ओपन करते हैं हमारी एसएमडी के टेम्परेचर को 360 में सेट करेंगे, और एआर को 40, 50 या 60 जो भी सेट करेंगे चलेगा, आपकी हैंड की स्किल के अनुसार इसको सेट करना है। तो ये कम्प्लीटली हमारी सीपीयू और मेमोरी यहाँ से ओपन हो गई। लेकिन दोस्तों ये ओप्पो और रियलमी के काम के लिए टेम्परेचर है, जब हम वीवो के लिए काम करेंगे ये टेम्परेचर काम नहीं करेगा। वीवो का दोस्तों हार्ड ग्लू है, इसलिए और एक टेम्परेचर है। मैं वीवो के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, जो वीवो का जो पेस्टेड आईसी होती है उसको आप कितने टेम्परेचर से ओपन करेंगे। लेकिन दोस्तों जो टेम्परेचर की मैं बात बोल रहा हूँ, कब क्या टेम्परेचर लगता है ये हैंड स्किल के अनुसार ये होती है, क्योंकि दोस्तों कब कितना टेम्परेचर लगता है कोई भी टेक्नीशियन कम्प्लीटली आपको नहीं बोल सकता कि इतने टेम्परेचर में मैं काम करूंगा, इतने टेम्परेचर नहीं चाहिए। कभी कभी ग्लू हार्ड होने हो जाने की वजह से हम टेम्परेचर को भी हाई करते हैं, तो ये पर्टिकुलर ये बोल नहीं सकते कि इतने टेम्परेचर पे काम कर सकते। लेकिन मैं जो टेम्परेचर में काम करता हूँ वही टेम्परेचर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह से ग्लू को हम साफ करेंगे, और साफ करने के बाद हमारी ईएमएमसी और सीपीयू को दोनों रिबल करेंगे। रिबल करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारी मोबाइल पे जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुली रिकवर हो गया या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों हम पीसीबी को क्लीन करते हैं, और सीपीयू और ईएमएमसी को रिबल करने के बाद इसको चेक करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सक्सेसफुली हमारी EMMC और CPU यहाँ से पेस्ट हो गई। अब दोस्तों यहाँ से हमको मोबाइल को चेक करना है कि हमारी मोबाइल यहाँ से ऑन होता है या नहीं होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल हमारी Realme 3 का मोबाइल कम्प्लीटली डेड था, वो सक्सेसफुली ऑन हो गया है। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर।